एडल्ट फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं अब एसईबीआई ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके चलते एसईबीआई ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी व उनकी कंपनी वियांड इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खबरों के मुताबिक सेबी ने शिल्पा और राज कुंद्रा पर यह एक्शन प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत लिया है। उन पर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट की जानकारी देने में देरी करने का आरोप लगा है। वहीं शिल्पा और राज को जुर्माना भरने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2015 में 2.57 करोड़ रुपए के शेयर का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था। उस समय शेयर की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक थी। ऐसे में डिस्क्लोजर जरूरी था। शिल्पा और राज को नियमों के अनुसार ट्रांजैक्शन के 2 ट्रेडिंग दिन में बताना जरूरी था, पर डिस्क्लोजर मई 2019 में गया था। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस जोया राठौर ने भी राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि राज कुंद्रा एक्ट्रेस की आर्थिक तंगी का फायदा उठाते थे। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को छोटी छोटी कहानी और वेब सीरीज देते थे, और ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हम जैसे स्ट्रगल कर रही एक्ट्रेसेस को अडल्ट फिल्म में काम करने के लिए साइन करते थे। वहीं ये उन एक्ट्रेसेस को भी ले लेते थे जिसकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फॉलोइंग हुआ करती थी। आगे जोया राठौर कहती हैं, मुझे उमेश कामत ने संपर्क किया था। फोन कर उसने मुझसे कहा था कि हम एक बेहद बोल्ड फिल्म बना रहे हैं। तुमने जो अभी तक बोल्ड फिल्में की हैं, ये उससे कहीं ज्यादा बोल्ड होने वाली है। और उमेश कामत ने मुंबई से बाहर होने की बात कर जोया को ऑफिस में मिलने के बजाय उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए न्यूड ऑडिशन करने की पेशकश की। मगर जोया ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उमेश कामत उसे बार बार काम के ऑफर को लेकर फोन किया करते थे। इसके अलावा वो जोया को बाकी एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस देने के लिए भी कह रहा था। जोया के मुताबिक बाकी एक्ट्रेसेस को रोजाना 10,000 रुपए मिलते थे, वहीं जोया को रोजाना 20,000 रुपए ऑफर करने की बात कही थी। जोया ने यह दावा किया कि रॉय नाम का एक शख्स भी हॉटशॉट के लिए काम करता था और उसके फोन भी जोया को अक्सर आया करते थे। रॉय ने जोया को कहा था कि वो यूके बेस्ड है और वो हॉटशॉट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडल्ट वेब सीरीज बना रहा है जिसमें पूरी तरह से एडल्ट होगी, और यही वजह है कि उसे प्रतिदिन काम के हिसाब से 70,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन जोया लगातार इस काम के लिए मना करती रही। बता दें कि जोया हॉट हिट्स नामक ऐप और अन्य वेबसाइट्स के लिए अपने बोल्ड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। खैर, अब देखना होगा। वहीं राज कुंद्रा इस समय जेल में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने 19 जुलाई तक टाल दिया है। साथ ही अब खबरें सुनने को मिल रही हैं कि राज कुंद्रा कहीं विदेश भाग कर ना चले जाएं। इसकी वजह से उनका पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने अप्रैल महीने में ही जब्त कर लिया था। क्राइम ब्रांच की जांच में जैसे ही उनका नाम सामने आया था, वैसे ही पुलिस ने कुंद्रा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।